नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल स्पोर्ट्स बाजार में। दोस्तों, न्यूजीलैंड में भारत को एक दिवसीय सीरीज में मिले जबरदस्त जीत के बाद टीम इंडिया T20 सीरीज को भी जीतने की कोशिश में है। T20 सीरीज की कमान रोहित शर्मा के हाथों में है। इस सीरीज से नियमित कप्तान विराट कोहली ने आराम ले रखा है। बता रहे दोस्तों कि भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ 6, 8 और 10 फरवरी को 3 T20 मैच की सीरीज खेलनी है। इसके बाद भारत एक बार फिर अपने घर में 24 फरवरी से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज में हिस्सा लेगा। दोस्तों, इन दिनों भारत लगातार क्रिकेट खेल रहा है। पहले इसने ऑस्ट्रेलिया के लंबे दौरे में T20 टेस्ट और वनडे सीरीज खेली। इसके बाद न्यूजीलैंड में 5 मैचों की एक दिवसीय सीरीज और अब फिर से T20 मैच खेलना बाकी है। इसके बाद अपने देश लौटने के तकरीबन 10 दिनों के बाद ही ऑस्ट्रेलिया से T20 और एक दिवसीय सीरीज खेलने के लिए कमर कस लेगा। दोस्तों, इतने अधिक क्रिकेट को देखते हुए टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री को लगता है कि कुछ मेन खिलाड़ियों का भार करने के लिए उन्हें आराम दिया जाना चाहिए और दिया भी जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज में कुछ खिलाड़ियों को आराम देने की सोच रहे हैं। इस बारे में चयनकर्ताओं से भी बात कर ली है। इस सीरीज में कुछ वरिष्ठ खिलाड़ियों को आराम देकर टीम में युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा, जो कि विश्व कप से पहले भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले आखिरी एक दिवसीय सीरीज में होगा। इस वजह से टीम मैनेजमेंट की कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को मौका दिया जाए और उन्हें परखा भी जाए ताकि उन्हें विश्व कप खेलने के लिए मौका मिले। दोस्तों, बता दें कि रवि शास्त्री ने सीधे सीधे नाम लेकर संकेत दिया है कि इन प्लेयर्स को आराम दिया जा सकता है। उन्होंने कहा, तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी लंबे समय से लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, जिन्होंने न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज जीती थी। उन्हें आराम देने की जरूरत है। जसप्रीत बुमराह के वापस आने से टीम को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा रोहित शर्मा और शिखर धवन भी लगातार खेल रहे हैं और उन्हें आगे भी लगातार खेलना है, इसलिए उन्हें भी आराम की जरूरत है। दोस्तों, युवा खिलाड़ियों से ओपनिंग कराकर उन्हें परखने के लिए यह सही समय होगा, इसलिए रोहित और शिखर को आराम देने की बात कही जा रही है। दोस्तों, कोच रवि शास्त्री विश्व कप में जाने से पहले ओपनिंग स्लॉट में टेस्ट सीरीज में शानदार आगाज करने वाले पृथ्वी शॉ, मयंक अग्रवाल को परखना चाहते हैं और दोस्तों संभव है कि लोकेश राहुल को भी एक और मौका मिल जाए। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या ऑस्ट्रेलिया में खेली जाने वाली इस सीरीज में रोहित शर्मा और शिखर धवन को रखना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।